हेलो फ्रेशर्स, तो आपका फिर से स्वागत है बेस्ट ट्यूसडेज के एक और नए एपिसोड में। और आज हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं फाइव बेस्ट पावर बैंक्स जो कि आपको खरीदने चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी के हिसाब से है, प्रीमियमनेस यहाँ पर दिखी जाती है, क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफी शानदार देखने को मिलता है। फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी लगभग बराबर है, क्योंकि पावर बैंक से तो ज्यादा कोई स्पेसिफिकेशन में होती नहीं है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आगे इन पावर बैंक्स की, इन पांच पावर बैंक्स की जो अपने आप में काफी कमाल है और जो आपको खरीदने चाहिए अगर आपको एक पावर बैंक की नीड है तो। सो दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेक फ्रेशर्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट में फर्स्ट पावर बैंक आता है मी टू आई, शाओमी का मी टू आई जो है 10,000 mAh की पावर कैपेसिटी के साथ में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एलईडी इंडिकेटर, पावर ऑन ऑफ बटन, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। माइक्रो यूएसबी सिस्टम यहाँ पर है, कुछ पावर बैंक होते हैं यहाँ पर टाइप सी सिस्टम भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक अलग मॉडल इसका लॉन्च हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रीमियमनेस और क्वालिटी का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। पोर्टेबल है, लाइट वेट है, लेकिन क्वालिटी उतनी ही बढ़िया है। 9 लेयर्स का सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन के साथ में ये पावर बैंक आता है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी की और प्रीमियमनेस की, उसके अलावा बैटरी बैकअप की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें इस पावर बैंक की प्राइस की, तो वो निकल के आती है ₹899, यानी कि ₹899 में आप इस पावर बैंक को ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन अगर आप लेने जाएंगे तो 900 या ₹1,000 का आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पावर बैंक की जो कि निकल के आता है एमब्रेन की तरफ से। एमब्रेन 20,000 mAh का पावर बैंक यहाँ पे ये निकल के आता है 20,000 mAh की पावर कैपेसिटी के साथ में। एमब्रेन के जो पावर बैंक है वो काफी ड्यूरेबल होते हैं, काफी रग डिजाइन के होते हैं और इसी तरह से पावर बैंक भी है, रग डिजाइन है, एबीएस प्लास्टिक का यूज किया हुआ है तो इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं और प्रीमियम लगता है, क्वालिटी काफी अच्छी है। 20,000 mAh की कैपेसिटी है जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज की इसमें माइक्रो यूएसबी और टाइप सी दोनों पोर्ट है, तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी हो निकल के आती है। और यहाँ पर अप टू 12 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वो भी अपने आप में काफी अच्छी बात है। यहाँ पर इस पावर बैंक की कीमत होने वाली है ₹1,299, यानी करीबन ₹1,300 के आसपास आपको ये पावर बैंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अगले पावर बैंक की जो कि निकल गया था रियलमी की तरफ से। रियलमी ने हाल ही में अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जिनमें एक पावर बैंक भी ये भी था। 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ में आने वाला ये पावर बैंक फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप इस पावर बैंक से अपने लैपटॉप तक को चार्ज कर सकते हैं, ये काफी कमाल बात है। यूएसबी ए टू वी टाइप सी यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है, तो आप टाइप सी केबल से इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के थ्रू ये चार्ज होता है और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग से ही आपके मोबाइल को ये चार्ज करता है। और यहाँ पर अगर डिजाइन की बात करो तो डिजाइन काफी सिमिलियर सी है एक स्क्वायर शेप में, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियमनेस है उसकी क्वालिटी है वो काफी बढ़िया निकल के आती है। और कलर्स की बात करो तो यहाँ पर व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड सारे कलर्स आपको लगभग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो रियलमी की तरफ से आने वाले पावर बैंक की इसकी भी कीमत है ₹1,299, यानी ₹1,299 की कीमत में आपको पावर बैंक मार्केट में मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ पावर बैंक की जो कि निकल गया था सैमसंग की तरफ से। सैमसंग लिथियम आयन 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ में पावर बैंक निकल के आता है जो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और उसके अलावा यहाँ पर 2 USB 3 पोर्ट दिए हुए हैं और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। और जो इसकी प्रीमियमनेस है वो देखने से ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर कलर में आप ये अवेलेबल है और एक व्हाइट कलर में अवेलेबल है, तो कि सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ में काफी अच्छा लगता है और काफी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल भी ये है। तो अगर आप 10,000 mAh की कोई पावर बैंक ढूंढ रहे हैं तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर इसे लेने का आप सोच सकते हैं, जो कि निकल जाता है सैमसंग की तरफ से, जिसकी यहाँ पर कीमत निकल के आती है वो है ₹1,399, यानी ₹1,399 की कीमत में आपको ये अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पावर बैंक की जो फिर से निकल गया था शाओमी की तरफ से। वही मॉडल है शाओमी मी 2i, लेकिन यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी चेंज हो जाती है। 20,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में ये पावर बैंक आता है और जिसकी प्राइस है ₹1,500। ₹1,500 में आपको 20,000 mAh की पावर बैंक को मिलती है। डिजाइन वही है, थोड़ा सा आकार बड़ा है, यहाँ पर थोड़ी सी शेप बड़ी हो जाती है इसकी। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी आपको देखने को मिल जाती है इसमें। यूएसबी के सारे फंक्शंस में है, आप दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं। एलईडी इंडिकेटर, पावर ऑन ऑफ बटन, ये सारे सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी कीमत है वो है 14,999, या फिर आप ₹1,500 बोल सकते हैं। तो ये पांच पावर बैंक निकल के आते हैं, दो शाओमी की तरफ से, एक एमरन की तरफ से, एक सैमसंग की तरफ से, रियलमी की तरफ से। तो आप इनमें से कोई भी पावर बैंक ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से। जो ब्रांड आपको पसंद हो आप उस ब्रांड का पावर बैंक ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। अगर आपके कुछ सजेशन या क्वेरीज हैं तो उन्हें आप नीचे नोट डाउन कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।